नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज मेरे पास है OnePlus Nord 3। इस फोन में है 5000 mAh की बैटरी और इनबॉक्स आता है 80 वाट की एडेप्टर के साथ। इसलिए तो बहुत सारे दोस्त जानना चाहता है इसका बैटरी बैकअप कैसा है और ये फोन चार्ज होने के लिए कितना टाइम लेता है। इसलिए तो आज इस वीडियो में इस OnePlus Nord 3 का डिटेल में बैटरी ड्रेन टेस्ट और बैटरी चार्जिंग टेस्ट करूंगा। तो इस फोन की बैटरी के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। OnePlus Nord 3 यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला हम लोग बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे क्योंकि दोस्तों ये फोन अभी 100% चार्ज है, तो 100% से 0% होने के लिए कितना टाइम लेता है वो देख लेते हैं। दोस्तों इस टेस्ट में बहुत सारी प्रोसेस रहेगा, जैसे कि दोस्तों पहला हम लोग 2 घंटे तक इस फोन में फुल HD में YouTube पर एक वीडियो को प्ले करेंगे और देख लेते हैं कितना बैटरी को ये फोन ड्रेन करता है। एक वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया YouTube पर और ये वीडियो फुल HD में प्ले होगा, तो यहाँ पर आप क्वालिटी देख लीजिए। फुल HD को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ब्राइटनेस यहाँ पर पूरी की पूरी फुल रहेगा और वॉल्यूम जो है वो भी यहाँ पर पूरी की पूरी फुल रहेगा। यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है, साउंड बहुत ही अच्छा आता है। चलिए मूवी को प्ले करते हैं और 2 घंटे के बाद देख लेते हैं फोन कितना बैटरी को ड्रेन कर पाता है। 2 आवर्स कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर बैटरी परसेंटेज की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 81% है। अभी दोस्तों 1 घंटे तक इस फोन में यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो को प्ले करेंगे और देखते हैं फोन बैटरी को कितना ड्रेन कर पाता है। इस प्रोसेस में भी ब्राइटनेस फुल रहेगा और वॉल्यूम जो है वो भी पूरी की पूरी यहाँ पर फुल रहेगा। 3 आवर्स कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर बैटरी परसेंटेज की बात किया है तो 67% हो चुका है। इस फोन में अभी 2 घंटे तक BGMI गेम को प्ले करूंगा। ऐसे भी BGMI जैसा गेम इसमें आप 60 FPS में खेल पाओगे, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर ब्राइटनेस जो है वो मैं पूरी की पूरी फुल करके यूज करूंगा और यहाँ पर दोस्तों साउंड को भी मैं पूरी की पूरी फुल कर दूंगा। ऐसे भी इसमें जायरो देख सकते हो, बहुत ही अच्छा चलता है। 5 आवर्स कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर बैटरी परसेंटेज की बात किया जाए तो 31% हो चुका है। अब इस फोन को 1 घंटे के लिए नॉर्मल यूजर जैसे यूज करता है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया एप्लीकेशन, आउटडोर में थोड़ा बहुत फोटो वगैरह क्लिक करना, ऐसे में यूज करूंगा और उसके बाद देखते हैं कितना बैटरी बचता है इस फोन में। 6 आवर्स कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर बैटरी परसेंटेज की बात किया जाए तो 22% है। इसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग को मैं स्टार्ट करूंगा। ऐसे भी जो फोन है 4K में वीडियो को रिकॉर्ड करता है, तो यहाँ पर वीडियो ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फोन 4K 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड करता है। तो 22% लेकर 0% होने के लिए ये फोन कितना टाइम लेता है, चलिए वो देख लेते हैं। गैस ये जो फोन है स्विच ऑफ हो चुका है और यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं स्टॉपवॉच को स्टॉप कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो फोन है स्क्रीन ऑन टाइम 6 आवर्स 28 मिनट के आसपास में देता है। अभी चार्जिंग टेस्ट करूंगा। ऐसे भी इस फोन के साथ इनबॉक्स आता है, 80 वाट का एडेप्टर और Type-A to Type-C का केबिल है। चार्जर और केबिल को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ फोन के साथ। चार्जर और केबिल को मैंने कनेक्ट कर लिया फोन के साथ, तो चार्जर का स्विच को मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पर स्टॉपवॉच को रीसेट करके स्टार्ट में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्टॉपवॉच जो है स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर फोन की टेम्परेचर आप यहाँ पर देख सकते हो 30 डिग्री है। तो चलिए फुल चार्ज होने के बाद कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो भी देख लेते हैं। चार्जिंग का सिंबल भी आ चुका है। तो गाइस 10 मिनट हो चुका है। अभी अगर बैटरी परसेंटेज की बात किया जाए तो 32% है। तो थोड़े देर के बाद देखते हैं ये फोन कितना चार्ज करता है। गाइस टाइम हो चुका है 20 मिनट। अभी अगर बैटरी परसेंटेज की बात किया जाए तो 65 हो चुका है। चलिए फुल चार्ज होने के लिए ये फोन कितना टाइम लेता है वो देख लेते हैं। फाइनली दोस्तों ये जो फोन है 100% चार्ज हो चुका है। यहाँ पर मैं स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देता हूँ। ये फोन फुल चार्ज होने के लिए 36 मिनट के आसपास में टाइम लेता है। तो यहाँ पर आप हीट देख सकते हो, ये फोन ओवर हीट नहीं होता है, 37 डिग्री के आसपास में हीट होता है चार्जिंग के टाइम में। दोस्त ये तो था OnePlus Nord 3 का बैटरी ड्रेन और बैटरी चार्जिंग टेस्ट। यार ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। अब लोगों के सामने इस फोन का मैंने पहला बैटरी को ड्रेन किया, उसके बाद उसको चार्ज में लगाया। अब लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप सिर्फ एक लाइक कर दीजिए वो मेरे लिए काफी है। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो आपके दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो दोस्त OnePlus Nord 3 लेने के लिए सोच रहा है।